गुड मॉर्निंग। क्या किया लास्ट लेक्चर में, क्या लर्न किया आपने? हाँ, मैम आवाज इको होते हैं। एक मिनट, दूसरा डिवाइस शुरू है ना, एक मिनट। हेलो, आता है तो एक इको। नहीं, अच्छा, चलो बताओ जल्दी, क्या लर्न किया लास्ट टाइम? मॉडलिंग इन पॉलीमर शुरू करते क्या किया? कंडक्टिंग पॉलीमर शुरू करना है मैम। अच्छा, शुरू करना है, किया नहीं था बिल्कुल भी। मैम बस ऊपर ऊपर से बताया था आपने। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। फ्राइडे को हुआ था ना आपका लास्ट लेक्चर? नहीं, मंडे को हुआ था शायद ना? मंडे हॉलिडे था। अच्छा, 26 ओके। पहले मैं इमेजेस शेयर करती हूँ आपके साथ। देखो, व्हाट्सएप पे आया क्या मैसेज आपको? इमेज सेंड किया है मैंने। हेलो, यस मैम आया है। यस ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था जस्ट कि क्या है ये कंडक्टिंग पॉलीमर। सो वी नो दैट कि जो पॉलीमर्स होते हैं, द पॉलीमर्स वी यूज एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर करके इसे पहले यूज किया जाता था, बट नाउ अ डे वी आर यूजिंग पॉलीमर एज अ कंडक्टिंग पॉलीमर। कंडक्टिंग पॉलीमर मीन्स व्हाट? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यही हमें देखना है कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसमें क्या लिखा है? कंडक्टिंग पॉलीमर। हाँ, सो मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर यूज एज ए इंसुलेटर। व्हाई दे आर यूज एज ए इंसुलेटर? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। उनके जो बैकबोन में फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन यूज सच पॉलीमर्स एज ए इंसुलेटर। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड द पॉलीमर्स आर यूज फ्रॉम कंटेनर टू क्लोथिंग। अभी हम कैसे यूज कर रहे हैं पॉलीमर को? अलग अलग फॉर्म में यूज कर रहे हैं, फ्रॉम कंटेनर टू क्लोथिंग तक। सो इन पास्ट सेवरल इयर्स द पॉलीमरिक मटेरियल हैव बीन सिंथेसाइज पजेसिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मीन्स नाउ अ डे वी आर यूज एज अ पॉलीमर, एज अ कंडक्टिंग पॉलीमर। सो ऑर्गेनिक पॉलीमर, अब ये कैसे हम यूज करेंगे? सो ऑर्गेनिक पॉलीमर विथ हाई डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आर कॉल्ड एज अ कंडक्टिंग पॉलीमर। मतलब क्या है कि
द पॉलीमर्स विच हैविंग हाईली डीलोकलाइज बाय इलेक्ट्रॉन्स इफ कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट इन द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इफ देर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल देन सच पॉलीमर वी कैन यूज एज अ कंडक्टिंग पॉलीमर ओके लेकिन पॉलीमर के चयन में क्या होना चाहिए हेलो हाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एंड पाई इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या होना चाहिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए राइट ये अगर है देन ओनली दैट पॉलीमर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके अब देर आर डिफरेंट टाइप्स मीन्स स्पेशली टू टाइप्स ऑफ द कंडक्टिंग पॉलीमर इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर एंड एक्सट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर आप उस इमेज में देख रहे हो ना अभी जो मैंने पिक सेंड किया है yes, ma'am. हाँ अभी हम ये लर्न कर रहे हैं हाँ डायरेक्ट यही आंसर आपको एग्जाम में लिखना है ये एकदम सिस्टमेटिक आंसर लिखा हुआ है जो इजिली समझ में आएगा आपको ठीक है अब इसमें क्या है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर एंड एक्सट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर अब इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर मीन्स व्हाट दो टाइप है इसके इंट्रेंसिकली मीन्स व्हाट द बैकबोन ऑफ सच पॉलीमर्स कंटेन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर और रेसिडियल चार्ज कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल चार्ज And in an electric field, conjugated pi electrons of the polymer get excited and transported through the solid polymeric material. इसका मतलब क्या है कि original जो material है polymeric material उस polymer के अंदर ही क्या होगा conjugation होगा presence of delocalization मतलब presence of pi electron and that's why the delocalization of electron is possible अब ये जो delocalization of electron जो होता है okay इसकी वजह से क्या होता है residual charge उसके ऊपर form होता है राइट तो अभी ये चार्जेस उसके ऊपर फॉर्म होते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ओके और इसकी वजह से क्या होता है ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल ओवर द एंटायर पॉलीमर बैकबोन एंड दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखा है वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड बराबर तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहां पे होता है व्हाट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स व्हाट अरे आंसर दो फ्लो ऑफ चार्ज हाँ तो किसे क्या कहते हैं हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब करंट क्या होता है हाँ करंट करंट राइट हाँ यस तो पॉलीमर में अगर करंट आ रहा है मतलब कंडक्शन अगर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे दे आर कॉल्ड एज अ कंडक्टिंग पॉलीमर मतलब ऑलरेडी उनके अंदर है ये ऑलरेडी उनके अंदर क्या है मतलब उनका नेचर ही है इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर हमने कहा है पॉलीमर विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ओके अब फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे हमें एग्जाम्पल चाहिए कि जिसके अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड है ऐसे एग्जाम्पल मुझे बताओ फॉर एग्जाम्पल आपने एसिटिलिन लिया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैम ईमेल आईडी कब मिलेगा कॉलेज अभी का? ऑफिस से मिला नहीं ऑटोमोबाइल का ही मिला है मिलेगा अभी वेट करते हैं ठीक मैम केमिस्ट्री का इंटरनल 2 का पोर्शन क्या है मैम मेरा नाम नहीं है उसमें ऑटोमोबाइल के इसमें हाँ फॉर्म भरा था तुमने हाँ भरा था अच्छा ठीक है मुझे मैसेज करना मैं फॉरवर्ड करती हूँ तुम्हारा मैसेज बहुत जल्दी बताया फिर तुमने तो मुझे ये
तुरंत मैसेज करना चाहिए था ना, मैं तुरंत बताती उन लोगों को। हाँ चलो देखो, अभी अभी बाद में बात करते हैं। मैम पोर्शन 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 वगैरह रहने दो, पहले पढ़ो, यही तो एग्जाम में आने वाला है जो पढ़ाऊंगी। पोर्शन का टेंशन मत लो ना, मैं जो बताऊंगी वही पोर्शन रहेगा ना। जो आप जितना पढ़ेंगे ना आफ्टर UT 1, जितना मैंने पढ़ाया है दैट इज द पोर्शन। जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वही पोर्शन है अभी, जहां तक पढ़ाऊंगी वहां तक। हाँ अब मैंने क्या बताया था आपको, एग्जाम्पल बताया था ना, तो आपने जैसे कि दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, मैम, देखो ना दूसरा वाला स्क्रीन, नहीं दो मैम, नाम से मैंने किया है ना, दूसरे नाम से मैंने मतलब दो दो है मेरा डिवाइसेस, दो है मेरे। दूसरा देखो उधर दिख, मैंने स्क्रीन शेयर किया है, दिखाई दिया, मैम एक ही सही डिवाइस बात, दिखा रहा है। एक मैम स्टॉप हो ही गया डिवाइस है, एक बार चेक कीजिए। है। यस मैम एक ही डिवाइस दिखा रहा है। एक मिनट एक मिनट, ऐसे कैसे, ये तो शुरू है। देखो एक सिंधु ताडे नाम से है और दो डॉक्टर सिंधु ताडे नाम से है। नहीं है मैम, नहीं है अरे मैम, लेकिन वो इसमें तो शुरू मैम है। सिर्फ यही अकाउंट दिखा रहा है, सिर्फ यही है। ओ कौन सा वाला, जो मैं बात कर रही हूँ हाँ सिंधु ताडे उससे वाला। बात कर रहे। हाँ, बस वही अच्छा है मैम। ओके ओके, एक मिनट। हाँ मैम आप जिसमें बात कर रहे खाली वही अकाउंट दिखा रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। दूसरा नहीं आ रहा है लेकिन मैम अप्रैल फूल क्यों नहीं बना रहे ना आप? मैम वॉइस ब्रेक हो कैसे रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैं फुल नेटवर्क में हूं ना, मैं विंडो पूरा ओपन करके विंडो में बैठी हूँ इधर। मैम वो अप्रैल नहीं मैम आ रहा आवाज है आ रहा मैम, है आप स्क्रीन उनको शेयर अप्रैल पर, फुल बना आप रहे हो मैम, ऐसा डीएसएल नहीं। का है क्या? मैम आप हाँ स्टूडेंट्स हैं मैम, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आवाज किसको मेरा ब्रेक लग रहा है, उसका नाम बताओ मुझे जरा, C40। बाकी सबको सुनाई दे रहा है, इसको नहीं सुनाई दे रहा है ना, यस मैम, बाकी बाकी सबको सबको सुनाई दे रहा क्लियर है, है। एकदम मैम क्लियर इसको है ना रिमूव कर आवाज। दो मैम। यस अरे मैम। मैंने तो, एक मिनट है, मैंने ज्वाइन किया था, मैम इसको ऐसे बाहर निकल के कैसे वापस पता अंदर, नहीं कैसे लेफ्ट हो गया ये। मैम इसको बाहर निकालो वापस अंदर। C40 लेफ्ट हो जाते, कुछ काम का रुको नहीं अभी है। देखो ज्वाइन किया है मैंने। हाँ हाँ मैम ये कौन है रे, ये मनीष आया, एक अब ऐसा आया। दिखता है क्या, अभी अगर आपने वो डीपी नहीं बदले ना मैं रिमूव कर दूंगी। ये मनीष तुम ऐसे दिखते हो क्या मनीष, ये डीपी में जो डर दिखाई लगता है दे रहा यार। है प्रोफाइल पिक्चर, पोकेमोन मैं पोकेमोन है बना मैम, है। ये देखो ये कौन आया अभी, एक दिन ना मैं तुषार स्पेशल लेक्चर लेने वाली हूँ एक्स्ट्रा, इवनिंग को 6 o'clock में डायरेक्ट लेक्चर लेने वाली हूँ ये प्रोफाइल चेंज करने के लिए। रुको जरा, मुन्ना भैया मैम नवीद का भी देख। नहीं रुको ना, मैं स्पेशल, अभी मेरा टाइम जाएगा ना इसमें, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। किधर गया ये, हाँ चलो यस ये, मैम, हाँ आप दिखाई दिया, यस मैम, हाँ CH CCH, अभी एन नंबर ऑफ हमने एसिटिलिन लिया, ओके एन नंबर लिया, आप इमेजिन करो कि एन नंबर ऑफ एसिटिलिन है हमारे पास ये, तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको आफ्टर पॉलीमराइजेशन, यू विल गेट द लॉन्गेस्ट चेन, राइट, आपको ऐसा लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा ऐसा आएगा कि नहीं बताओ मुझे, यस ऐसा ही आएगा ना, मैम, तो ये आपको ऐसा लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा, मतलब जहां पे ये अपना ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, और जहां पे बॉन्ड नहीं है वहां पे हमें ऐसे बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। अरे ये क्या हुआ, हाँ ठीक है, तो इसको अगर मुझे लिखना है इस फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगी, पॉलीएसिटिलिन मुझे लिखना है, देखो मैं पॉलीएसिटिलिन लिख रही हूँ, देखो ये है मेरा पॉलीएसिटिलिन, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा इसमें क्या है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, हाँ यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है जो भी है, तो
तो ये जो कॉन्जुगेशन होता है इसी की वजह से क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये हुआ एग्जाम्पल पॉलीएसिटिलीन का। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप मतलब देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर निकालती हूँ मैं। अरे देखो मेरा टच हो गया इसको। देखो क्या है इसमें, ये फिनाइल ग्रुप लिया हमने तो क्या है पॉलीफिनिलिन हमें मिला यहाँ पे, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो ये भी एग्जांपल है इसका एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर का। दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। हेलो, हाँ देखो ये एक एग्जांपल हुआ। अभी दूसरा एक बताती हूँ आपको, इजी वाला एग्जाम्पल। हाँ पायरोल आपको पता है। NH, ठीक है, ऐसे N नंबर आप NH लिए, या हम जैसे कि इसका नंबर ही लिख देती हूँ मैं, थाइजेन। ठीक है, अभी इसका होगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होने के बाद कैसे स्ट्रक्चर आएगा इसका देखो। इन्वर्जन दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अरे अरे गलत हो गया। देखो क्या दिखाई दे रहा है इधर, इन्वर्जन थ्रू द कॉन्जुगेशन पॉलीपायरोल मिला हमें, पॉली पायरोल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। हेलो, यस मैम। हाँ तो ये भी एग्जाम्पल हुआ इंट्रेंसिकली, मतलब ऑलरेडी इनके अंदर क्या है कॉन्जुगेशन सिस्टम है, दैट्स व्हाई द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल इन दिस केस। अब ये एक टाइप का हुआ कि ओरिजिनली उनके अंदर कुछ है, बट दूसरा है एक्सट्रेंसिकली। एक्सट्रेंसिकली मतलब क्या, एक्सट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर मतलब जबरदस्ती से उनको हमें क्या करना है, कंडक्टिंग पॉलीमर में कन्वर्ट करना है। सो सच टाइप ऑफ पॉलीमर मतलब इस पॉलीमर का जो बैकबोन रहेगा, इन दैट पॉलीमर नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और कोई मतलब मतलब क्या कहेंगे हम उसको, कि उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली दे आर यूज एज अ इंसुलेटर, बट उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर। अब ये जो इंट्रेंसिकली की बात हम कर रहे हैं, इंट्रेंसिकली पॉलीमर, ओके। अब इसको भी हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे ही नहीं होंगे, इनके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, बट इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें डोपिंग करना पड़ेगा। उसके ऊपर ऐसे चार्ज आने चाहिए ना, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे चार्ज उनके ऊपर जनरेट होने चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है? सो सच पॉलीमर्स आर ट्रीटेड विद पी डोपेंट, एन डोपेंट, ओके, किसी के साथ रिएक्ट करके, मतलब रिएक्शन विथ लेविज एसिड, लेविज बेस, तो ये कन्वर्ट होंगे। मतलब डोपिंग करके भी ये पॉसिबल है, हम इनका डोपिंग करेंगे। अब डोप उसे क्या कहते हैं, डोप कंडक्टिंग पॉलीमर कहते हैं। उसमें दो टाइप है, एक है पी डोपिंग एंड एन डोपिंग। पी डोपिंग इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन डोपिंग,
ओके इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड जनरेट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर. अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ विथ रिएक्शन, ठीक है. अब देखो मैंने क्या कहा आपको, डोपिंग के कितने टाइप है, पी डोपिंग एंड एंड डोपिंग. हाँ, पी डोपिंग एंड एंड डोपिंग. ओके, अब पी डोपिंग जो है, पी डोपिंग के लिए हम क्या करेंगे, आईसीपी. आईसीपी का मतलब क्या है, इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर. अभी इतना लंबा मैं नहीं बोलूंगी, इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, इन शॉर्ट हम उसे कहेंगे आईसीपी. आईसीपी का मतलब क्या है, इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर. अब ये जो आईसीपी होते हैं, व्हेन ट्रीटेड विद लेविस एसिड, लेविस एसिड के साथ जब ये हम ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसका ऑक्सीडेशन, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और क्रिएटेड पॉजिटिव चार्ज ऑन द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर. पॉलीमर के बैकबोन पे कौन सा चार्ज ये करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. अब ये पॉजिटिव चार्ज जब आएगा, मतलब अभी मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ यहाँ पे. सो फॉर दिस वी कैन यूज सम पी डोपेंट. पी डोपेंट हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं. अभी पी डोपेंट मतलब, पी डोपेंट के एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आई टू, देन बी आर टू, देन ए एस एफ फाइव, देन पी एफ सिक्स, देन FeCl3. ये सारे क्या है, ऑल दीज आर द पी डोपेंट. ये कोई भी पी डोपेंट हम यूज कर सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पी डोपिंग. अब एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. एग्जाम्पल मैंने लिया एसिटिलिन का ही लेती हूँ मैं एग्जाम्पल. अब मैं एसिटिलिन का पॉलीमरिक फॉर्म यहाँ पे लिखती हूँ, मतलब मैं ऐसा लिख रही हूँ C2H2. समझ में आया मैंने क्या लिखा, ये एसिटिलिन है. हाँ, एसिटिलिन का मैंने इस फॉर्म में लिखा. अब इसका हम एक रिएक्शन देखेंगे FeCl3 के साथ, लेविस एसिड के साथ ये एक रिएक्शन लिखेंगे हम यहाँ पे. अब रिएक्शन जब लिखेंगे तब हमें क्या, मैंने क्या कहा कि ये जो हमारा, ये जो एसिटिलिन है ये हमारा मेन पॉलीमर है यहाँ पे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, और इसके ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा. अब देखो क्या होता है इधर, आवाज आ रही है, मोबाइल गिर गया मेरा. यस मैम. म्यूट करो जरा. हाँ देखो, अभी ये रिएक्शन याद रखो यहाँ पे. रिएक्शन में ये बस आपको पॉजिटिव चार्ज वगैरह दिखाने के लिए मैंने ये रिएक्शन लिखा. एज इट इज लिख दो C2H2N, इसके ऊपर लिख दो पॉजिटिव चार्ज और उसको साथ में FeCl4, 4 और 6 मतलब 2 रहेगा, FeCl- एंड FeCl2. एक सिंपल रिएक्शन, अगर याद रहा तो लिखो, अदरवाइज डायरेक्ट लिखो. लेविस एसिड के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए, ए फॉर लेविस एसिड, डायरेक्ट इधर ए भी लिखा तो चलेगा. मतलब कैसे, देखो C2H2 एंड प्लस ए. ए मतलब क्या, लेविस एसिड. ऊपर दिखाओ कि इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और ये क्या फॉर्म करता है, C2H2 के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ए के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज. वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है. समझा ये रिएक्शन आपको, अरे समझा कि नहीं. हाँ मैम. हाँ हाँ, अब दूसरा देखो. अभी एंड डोपिंग क्या होता है, एंड डोपिंग देखो. एंड डोपिंग का क्या है, सेम ऐसा ही जैसे मैंने पहला बताया था, आईसीपी ट्रीटेड विद लेविस बेस. पहले किसके साथ ट्रीट किया, लेविस एसिड के साथ. अभी ये ट्रीट करेगा, हाँ, लेविस बेस के साथ. एक पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता था, इधर रिडक्शन रिएक्शन होगा. सो आईसीपी ट्रीटेड विद लेविस बेस अंडरगोस रिडक्शन रिएक्शन एंड क्रिएटेड
पहले में पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या कौन सा चार्ज ये करेगा बैकबोन पे निगेटिव चार्ज, तो इट क्रिएटेड निगेटिव चार्ज ऑन द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर. और सम फ्री डोपेंट हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं लाइक इसमें अलग अलग है फ्री डोपेंट हम जो यूज करेंगे वही मैं बताती हूँ. सोडियम कैल्शियम ठीक है लिथियम. अभी इसका एक मतलब कोई एग्जांपल सिंपल वाला एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको. C2H2 एसिटिलिन लिया हमने ठीक है प्लस बी. बी मतलब लेविस बेस. कौन सा रिएक्शन होगा रिडक्शन रिएक्शन. क्या फॉर्म होगा बैकबोन पे निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज. ओके तो अगर ऐसा होता है तो दे आर कॉल्ड एज अ क्या मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव निगेटिव जो यहाँ पे चार्जेस फॉर्म हो रहे हैं. ओके सो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस क्रिएट्स एंड एनहांस द कंडक्टिविटी. ये हुआ अबाउट द इंट्रिंसिकली. इंट्रिंसिकली के बारे में मैंने आपको बताया सम एग्जाम्पल्स. ओके फिर डोपिंग पी डोपिंग एंड डोपिंग विथ रिएक्शन. एंड नाउ द सेकेंड पार्ट इज एक्सट्रिंसिकली. एक्सट्रिंसिकली मतलब जबरदस्ती से उसको कंडक्टिंग पॉलीमर बनाना. उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एज अ कंडक्टिंग पॉलीमर एक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल कुछ नहीं है उसके अंदर. फिर भी हम कैन कन्वर्ट सच पॉलीमर इन टू कंडक्टिंग पॉलीमर ठीक है. अब देखते हैं हम इंट्रेंसिकली. इंट्रेंसिकली अब इंट्रेंसिकली सपोज यू आर हैविंग कौन सा पॉलीमर पहले ये बता देती हूँ ठीक है. इंट्रेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर इट कैन बी डन बाय द फोर्स और बाय ब्लेंडिंग. जैसे कि आपके पास ए है ए ए पॉलीमर है ठीक है और दूसरा आपके पास बी पॉलीमर मतलब बी है. तो ये जो ए है इसके अंदर कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है. ये इट्स जस्ट लाइक अ इंसुलेटर. ओके बट ये बी क्या है हाँ बी क्या है इट्स अ कंडक्टिंग पॉलीमर. अगर आपने ये इसके अंदर डाल दिया और दोनों को ऐसे ब्लेंड कर दिया ओके ऐसे ब्लेंड कर दिया तो क्या होगा इट गेट कन्वर्टेड इनटू कंडक्टिंग पॉलीमर. पॉइंट इज क्लियर. यस मैम. या कोई सपोज आपके पास ये कोई मटेरियल है पॉलीमरिक मटेरियल है आपके पास ठीक है. ये आपके पास कोई पॉलीमर है ये बस जस्ट इंसुलेटिंग पॉलीमर है ओके. आपने इसके अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल डाल दिए कि बिकॉज ऑफ दैट दिस पॉलीमर कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. अब कोई फॉरेन पार्टिकल डाल दिया कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उसके मतलब फॉरेन पार्टिकल हमने डाल दिया फॉरेन मटेरियल डाल दिया. फॉर एग्जाम्पल कार्बन ब्लैक आपने डाल दिया मेटल ऑक्साइड पाउडर डाल दिया कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है कंडक्टिविटी जनरेट हो सकती है उसके अंदर ओके प्रॉपर्टी आ सकती है. तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट द इंसुलेटिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर. तो इंट्रिंसिकली पॉलीमर का मतलब क्या है कि इट कैन बी डन बाय द फोर्स और बाय ब्लेंडिंग. इसका डेफिनेशन है कि दोस पॉलीमर हुज कंडक्टिविटी कैन क्रिएटेड बाय एडिंग एक्सटर्नली इनग्रेडियंट्स उसके अंदर आप बाहर से कुछ ऐड कर रहे हो आर कॉल्ड एज अ एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर. दो टाइप के पॉलीमर होते हैं इसमें ठीक है. एक है हमारा एक जो टाइप है दैट इज कंडक्टिव एलिमेंट फील्ड पॉलीमर. फील्ड पॉलीमर देखो क्या नाम है ये पहला जो आता है इसमें इंट्रिंसिकली में कंडक्टिव एलिमेंट फील्ड पॉलीमर. क्या होता है ये ऐसा पॉलीमर होता है कि जिसके अंदर वी कैन ऐड सम इंग्रेडिएंट्स. ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दैट इट कैन कंडक्ट मतलब इट कैन गेट कन्वर्ट इन टू कंडक्टिंग पॉलीमर. अब क्या क्या ऐड कर सकते हैं कौन से फॉरेन ऑब्जेक्ट फॉरेन मटेरियल इसमें ऐड कर सकते हैं. सो वी कैन यूज हियर कार्बन ब्लैक. कार्बन ब्लैक यूज कर सकते हैं हम ठीक है. फिर इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं मेटालिक फाइबर देन मेटल ऑक्साइड एटसेट्रा ठीक है. ये सब कुछ हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं.
मतलब क्या कि सिंपल से बात है कि आपको जैसे आपके पास है इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग पॉलीमर है आपके पास, इंसुलेटिंग पॉलीमर, उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिया। सपोज आपने इसके अंदर कार्बन ब्लैक ऐड कर दिया या मेटल ऑक्साइड ऐड कर दिया, कुछ भी ना, मेटल ऑक्साइड, तो क्या होगा, इट गेट कन्वर्टेड इनटू, हाँ, कंडक्टिंग पॉलीमर, समझा? ठीक यस मैम। है, अब आगे दूसरा टाइप। अब मैंने पहला टाइप कौन सा बताया था आपको, इंट्रिंसिकली में कंडक्टिव एलिमेंट, फील्ड पॉलीमर, मतलब पॉलीमर में फील्ड करना है किसको, कंडक्टिव एलिमेंट को। ओके, ये एक टाइप हो गया। और दूसरा टाइप जो है दैट इज ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर, क्या है, ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। अब ब्लेंडिंग आपको पता है, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लेंडिंग करना मतलब मिक्स करना, बराबर ना, ब्लेंडिंग का मतलब पता है क्या, दिस पॉलीमर्स आर ऑब्टेन बाय ब्लेंडिंग अ कन्वेंशनल पॉलीमर विद अ कंडक्टिंग पॉलीमर। जैसे कि नॉर्मल कोई पॉलीमर आपके पास है, ओके, इसमें बिल्कुल भी कोई कंडक्टिविटी नहीं है, बट इसके अंदर है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया दोनों को, ठीक है, ये पूरा ब्लेंडिंग कर दिया दोनों को, तो ये क्या होगा, हाँ, ये पूरा मिक्स हो जाएगा और इट्स एक्ट एज अ कंडक्टिंग पॉलीमर। पॉइंट इज क्लियर? हेलो, यस ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस कंडक्टिंग पॉलीमर। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टिंग पॉलीमर? सो एप्लीकेशन, ओ एक देखो, एक इमेज मैंने सेंड किया है, और दूसरा वो ओपन करो, आपको अभी याद होना चाहिए ये सब कुछ। किया ओपन? यस मैम। उसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर, याद ही रहना चाहिए यार, इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। नहीं तो ये बहुत ही फास्ट लेते हैं हम लोग क्लास में, बट ये अभी क्या है कि पढ़ना भी है और साथ में आपका प्रिपरेशन भी होना चाहिए। तुरंत अगर आपको कोई एप्लीकेशन आता है कि मतलब व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंडक्टिंग पॉलीमर, ओके, या सिलेक्ट एनी यूज ऑफ द कंडक्टिंग पॉलीमर और नीचे ऑप्शंस रहेंगे, तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि यस, यही ऑप्शन है, ठीक है। सो इट इज यूज इन रिचार्जेबल लाइट वेट बैटरीज, देन ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस, देन वायरिंग इन एयरक्राफ्ट एरोस्पेस कंपोनेंट, इट इज यूज सोलार सेल डायोड्स एंड देन ट्रांजिस्टर्स, देन इन एंटी स्टैटिक कोटिंग फॉर द क्लोथिंग, क्लोथिंग में भी ये यूज किया जाता है, इन एंटी स्टैटिक कोटिंग, एंटी स्टैटिक कोटिंग करने के लिए, मतलब क्या करता है कि सपोज एक कोई कारपेट एग्जांपल लेते, क्लोथिंग के अंदर एक कोई एग्जांपल ऐसे कुछ क्लोथिंग मतलब ऐसे मटेरियल होता है कि जो मतलब रिपेल करता है, जैसे डस्ट को रिपेल करता है, फॉर एग्जाम्पल कारपेट लिया हमने, कारपेट, ओके, तो कारपेट में क्या है कि पूरा डस्ट उसके अंदर चला जाता है ना बाहर का, तो उसमें अगर एंटी स्टैटिक कोटिंग अगर हम यूज करेंगे तो क्या करेगा, और डस्ट को रिपेल करने का काम करता है, क्लीन का क्लीन रहेगा, और ये मतलब इस ये प्रॉपर्टीज के अंदर आ सकती है क्लोथिंग के अंदर। देन इन फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस, इट इज यूजफुल इन फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस, देन मॉलिक्यूलर वायर, मॉलिक्यूलर स्विचेस, ठीक है, चलो याद करो एप्लीकेशन एक बार फिर से, इट इज अ, हाँ, यूज इन रिचार्जेबल लाइट वेट बैटरीज, ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस, वायरिंग इन एयरक्राफ्ट एरोस्पेस कंपोनेंट। आपको एक्स्ट्रा जानना है तो आप गूगल पे ये कंडक्टिंग पॉलीमर एप्लीकेशन डालो, आपको अलग अलग इमेजेस मतलब सब आपको समझ में आएगा कैसे ये वायरिंग होता है, ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस कौन कौन से है, ठीक है, इमेजेस सब आपको मिल जाएंगे। इट इज यूज इन सोलार सेल डायोड्स ट्रांजिस्टर, इन एंटी स्टैटिक कोटिंग फॉर द क्लोथिंग, फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस, मॉलिक्यूलर वायर, मॉलिक्यूलर स्विचेस, ठीक है, तो इतने सारे इसके एप्लीकेशन है। पॉइंट इज क्लियर? मैम कौन से फोटो से बोल रहे हैं? हेलो,
क्या बोला? बोला मैम कौन सा इमेज से आप बता रहे थे, क्योंकि वो दूसरा वाला इमेज आपने कोई अलग सेंड किया, डेफिनेशन है। नहीं, ये भी सेंड है, दो इमेज तो नाइके ले मैम। क्या हुआ? नाही केलंय मॅम तुम्ही, ते सध्या आता बोललात ना ते एरोक्राफ्टचे तुम्ही एक्झाम्पल, ते नाही केलं का? नाही केलं का? ओके ओके, यस मॅम, ठीक आहे ठीक आहे, नाही केलं वाटत, राईट, एक मिनिट। एक मिनट फक्त। बघा आता आलं का? यस। हा ठीक आहे। ऍप्लिकेशन ऍप्लिकेशन ऑफ द कंडक्टिंग पॉलिमर इन रिचार्जेबल लाईट वेट बॅटरी ऑप्टिकल डिस्प्ले डिव्हाइसेस वायरिंग इन एअरक्राफ्ट एरोस्पेस कंपोनेंट सोलार इन सोलार सेल डायोड्स ट्रान्झिस्टर अँटी स्टॅटिक कोटिंग फॉर क्लोथिंग फोटोव्होल्टेक डिव्हाइसेस मॉलिक्युलर वायर अँड molecular switches, all these are the matlab isme all these are the application of the conducting polymer. Samjha abhi aapko? Yes ma'am. Acha ek baat puch rahi thi main, aapka aaj lecture le lu ke evening mein? Chalega aapko kyunki kuch sab log ma'am kal se lijiye na, कल से लो ना मैम। क्या एक्स्ट्रा लेक्चर? हाँ जरूरत है ना मुझे, मुझे क्या है ना पता, मतलब ये तो खत्म ही होने वाला है थर्ड चैप्टर जो है ना आपके सिलेबस। मैम सही बोलो, आवाज ब्रेक हो रही है मैम। 3 to 4 ऑलरेडी मैथ्स का एक्स्ट्रा लेक्चर है आज, क्योंकि सब लोगों ने क्या किया ना अपने एक्स्ट्रा लेक्चर पहले ही डाल देते हैं, मतलब दूसरों को लेने का चांस ही नहीं देता। हां मैम मंडे को लो, लेक्चर भी आपके लेक्चर भी कम होते हैं, आप में एक्स्ट्रा लेक्चर मुन्ना भैया ही डाल देते हैं। तो बताओ ना कब लू मैं, मुझे लेना मैक्स के बदले ले लो मैम। हां मैम कल। हां मैम मैक्स के बदले ले लो। हां अरे पर मैडम टुडे ना देखी अपना लेक्चर, वो मैडम तो कल थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर ले रही है। कल छुट्टी थी ना फ्राइडे पे। मैम मंडे को लो। अरे मुझे खुद लोड रहता है दिन भर पूरा, मैं हायर के फाइनल ईयर को पढ़ाती हूं। सुनो ना, आ तो फिर अगले फ्राइडे ले लो मैम। मैम कल छुट्टी थी ना, फ्राइडे मतलब एग्जाम होने के बाद तो क्या लेने दो ना, एक एक घंटा नहीं दे सकते तो आप लोग मुझे आप। मैम सुनो तो सही, दे सकते मैम। मैम सैचुरेटेड हो गई है, करो लेक्चर होने के बाद। बोल बोल आदित, तू बोलना भी 2 मिनट, बोल बोल। हेलो थोड़ा सा आराम करो मैम, 7:30 ठेवा। हां मैम खाली शशांक आ रहा है। मैम मैं बोलूं कुछ? कितनी बोलना ही नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं। बोल आदिल आदिल आदिल। मैम कल ही ले लो ना मैम, कल वैसे भी 3 एक्स्ट्रा लेक्चर है छुट्टी के दिन, तो आप भी एक ले लो कल। कल छुट्टी है क्या? यस मैम, फिर अच्छा फिर एक्स्ट्रा लेक्चर रखे किसी ने? 3 एक्स्ट्रा लेक्चर है 90 मिनट्स के छुट्टी। 3 एक्स्ट्रा लेक्चर है मैम। हाँ मैम 3-3 लेक्चर पूरा दिन चले गए अभी 90 मिनट्स के, तो आप भी एक ले लो। एक काम करो ना, एक काम करो मुझे आज लेने दो मैम, कल ही ले लो आप भी फिर सब साथ। मैम आज 3 to 4 मैथ्स का एक्स्ट्रा लेक्चर मैम ने रखा है। मैम आज सैचुरेटेड हो जाएगी पूरा। अच्छा तो फिर कल ले लूं, कितने बजे ले लूं मैं कल? हाँ मैम आपकी मर्जी, मैं आपको बता। नहीं मतलब मेरी मर्जी, मतलब कब से आपके लेक्चर एक्स्ट्रा शुरू हो रहे हैं तो मुझे बता। मैम अच्छा मैम 9:00 से शुरू है क्या कल के लेक्चर? यस मैम। अरे बाप रे, अरे रे, एक ही लेक्चर है क्या? बी डबल ई का है, ऑफिशियल ग्रुप पे बी डबल ई मैथ लेक्चर है मैम, मैकेनिक्स। अरे फिर मैं कब लूं फिर लेक्चर? लेने दो ना आज प्लीज मैम, सैटरडे को मैम टाइम टेबल देख के बता दे। हां मैम 9 to 10:30 मैथ्स का है, 10:30 से 12 तक इसका है मैकेनिक्स का। तो मैं कब लूं आप ही बताओ मुझे। 1 से 2 ले लो मैम। मैम 12 से अच्छा ठीक है, 2 बजे मैम 12 से एक टाइम है, 12 से एक। अच्छा फ्री हो क्या उसमें? 12 से 2 फ्री है मैम, 12 से 2 फ्री है 2 तो 12 से 1 ले लूं फिर कल? हां चलेगा।
ठीक है फिर मैं अभी ग्रुप में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर कोई दूसरा ले लेगा। नहीं तो अरे मैंने बताया ना आपको, जहां तक मैं पढ़ाऊंगी वहां तक सिलेबस है। मैम बाप रे इतना पढ़ रहे हो क्या तुम? पॉलीमर पढ़ो पूरा, पॉलीमर फेज रूल पूरा पढ़ो। फिजिक्स का लेक्चर कैंसिल हुआ है का? क्यों आज? आज का तो तुम ले लो मैम। हाँ मैम, लेकिन मुझे लेक्चर है ना, मुझे है ना लेक्चर। कितने बजे है वो लेक्चर? मैम 12 o'clock को है वो लेक्चर। 12 o'clock को है क्या? तो मेरा 11 to 12 है अभी लेक्चर, फिर 12 to 1 हो जाएगा और फिर तुरंत मुझे और एक लेक्चर है। ठीक है देखती हूँ मैं। नहीं जाने दो क्योंकि ना मुझे भी वो हायर के लेक्चर रहते हैं ना, तो मेरा प्रेजेंटेशन वगैरह मुझे देखना है। कल ही ले लेती हूँ मैं। ठीक है यस, कल की छुट्टी कैंसिल करने बोल दो मैं। पॉलीमर और फेज रूल अभी तो इतना ही पढ़ाया है ना मैंने, क्योंकि एक एक जो है एक चैप्टर शायद निकल जाने दो मुझे, मेरा लेक्चर है। रुको अभी बाद में बात करते हैं, अटेंडेंस बताओ मुझे। स्वराज, स्वरु पेन दे ना मला तिथला। मैम लेट इवनिंग में लो ना लेक्चर आज। तो मैं वही तो बोल रही थी ना मैम, फील नहीं आता है तो फील मतलब क्या, फील क्या होता है मैम? मतलब पूरा सैचुरेट हो जाते हैं फिर बाद में। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ मैम। इवनिंग में सब थोड़ी ना फ्री रहते हैं। हाँ अच्छा।